Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ निधि and I hope you all are doing amazing. And in today's video, जैसे आप लोगों ने मेरा title पढ़ा है तो आप समझ गए हो, आज की video में मैं आप लोगों के साथ share करूँगी कि आप अपनी लाख की चूड़ियों को किस तरीके से आप उनकी care करो और especially in summers और किस तरीके से आप उनको रखो, किस तरीके से उसको रखना चाहिए. और एक्चुअली ये वीडियो इस तरीके से आई है, आई नेवर थॉट कि मैं लाख की चूड़ियों पे एक वीडियो बनाऊंगी. बट हुआ क्या, एक्चुअली मैं अपनी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट कर रही थी, अपनी ज्वेलरी, अपनी चूड़ियाँ. और जैसे मैं एक राजस्थानी बहू हूँ तो हमारे यहाँ पे जो है वो लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा पहनी जाती हैं. और मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है, काफ़ी सारी मिलती भी रहती हैं और कुछ खरीदी भी हैं, तो मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है लाख की चूड़ियों की. तो हुआ क्या, मैं सब अरेंज कर रही थी और कल जब मैंने देखा कि जैसे लाख की चूड़ियों का पूरा एक सेट होता है, चूड़ियाँ भी होती हैं जिनमें और कड़े भी होते हैं, तो हुआ क्या वो एक दूसरे से चिपक गए. तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, ये तो ख़राब हो गई. तो मैंने थोड़ा सा पूछा और थोड़ा सा सर्च भी किया. एक्चुअली सच बताओ, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया लेकिन मुझे एक वीडियो नहीं मिली जिसमें कि ये दिखाए या किसी ने बनाई हो कि आप घर पे किस तरीके से लाख की चूड़ियों को अलग अलग कर सकते हो. और आई थॉट कि यार क्यों ना, मतलब मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मेरी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारी बहुएं होंगी जिनको ये नहीं पता होगा कि अगर लाख की चूड़ियां चिपक जाएं तो कैसे अलग करें. तो चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ. लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई, माई नेम इज निधि एंड आई अपलोड वीडियोज रिलेटेड टू मेकअप, DIY, प्रोडक्ट रिव्यू, हॉल्स और बीच में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज लाती रहती हूँ कि घरेलू वीडियोस आप ये कह लो कि मुझे कुछ भी लगता है नया टॉपिक जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो आई अपलोड दिस टाइप ऑफ वीडियोस. इफ यू लव वॉचिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट सो प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू ऑल्सो हिट द बेल आइकन, उससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो और आपको लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं तो आपको किस तरीके से मिलती हैं, आपको इस तरीके से ऐसे बॉक्सेस में मिलती हैं लाख की चूड़ियाँ. जो हमें जो भैया जो शॉपकीपर जो हमें देते हैं वो इस तरीके से हमें लाख की चूड़ियाँ देते हैं, राइट. तो कुछ लोग क्या करते हैं, लाख की चूड़ियों को निकालते हैं और जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में रॉड्स होती हैं उसमें लगा देते हैं. डेली वेयर की जो आप रोज़ की दो चार जो आप चूड़ियाँ पहनते हो वो तो आप रॉड में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. लेकिन जो बाहरी जो पार्टी वियर जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं, काफ़ी हैवी जो चूड़ियाँ होती हैं, वो आपको रॉड में या ड्रेसिंग टेबल में नहीं लगानी चाहिए. उससे होता क्या है, उससे मैं आपको दिखाती हूँ होता क्या है. मैंने भी अपनी एक जो मेरे लाख के कड़े थे वो मैंने ऐसे रॉड में लगा के रख दिए थे और मैं भूल गई थी कि मैंने लगा रखे हैं. तो हुआ क्या, देखो ये इस तरीके से इनकी जो ये शेप है वो कड़ों की चेंज हो गई. मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये देखिए ये कड़े होते हैं गोल और ये इनकी शेप आप देख रहे हो चेंज हो गई. हुआ क्या, मैंने रॉड में इस तरीके से लगा के रख दिया और वो जो है लाख, थोड़ा सा मैंने आपको बताया गर्मियों में हल्का सा पिघलता है, तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई. अब एक आता है लाख की चूड़ियों में, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको रॉड में नहीं लगानी चाहिए, कि आपके ड्रेसिंग टेबल में जो होता है, तो आपको रखना कैसे चाहिए, जो आपको बॉक्स जो शॉपकीपर देते हैं. तो आप क्या करो, ये आपके सपोज फॉर एग्जांपल आपके भारी भारी कड़े हैं, आप उन कड़ों को एक न्यूज़पेपर का एक पीस ले लो, आप उसके अंदर ऐसे रखो बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मैंने ये रखे हैं, और यहाँ से आप ऐसे न्यूज़पेपर में इसको अच्छे से कड़ों को रैप कर लो और इस बॉक्स में ऐसे रख लो. देखिए ये मैंने अपने कड़ी इसके अंदर ऐसे रख लिए हैं. तो सबसे अच्छा जो बेस्ट और जो होना चाहिए लाख के कड़ों को अपने संभाल के रखने का, ये आपके सालों साल चलेंगे, आप उनको इस तरीके से बॉक्स में एक न्यूज़पेपर में रैप करके रख दो. इससे ना ही तो इनकी शेप चेंज होगी और ना ही ये चिपकेंगे. सो ये तरीका होता है लाख के कड़ों को रखने का. तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको लाख की चूड़ियाँ किस तरीके से संभाल के रखनी चाहिए. और देखो मैंने आपको एक चीज़ तो दिखाई कि मेरी एक कड़ों की शेप खराब हो गई, तो मैं आपको ये ठीक करके दिखाऊंगी. और दूसरी चीज़ है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक ये पूरा एक सेट था और ये जो चिप ये जो चूड़ियाँ हैं ना लाख के, जो बीच में कड़ा है और जो चूड़ी है ये एक दूसरे से चिपक गई. देखो ये निकल नहीं रही, बिल्कुल चिपक गई.
और एक इसमें ये सेम पूरा एक सेट था, इसमें चूड़ी और कड़ा चिपक गया, इसमें ये पूरा का पूरा ही चिपक गया, ठीक है, और ये भी एक अलग से चिपक गया। सो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं ये किस तरीके से इनको अलग अलग करूंगी। और मैं थोड़ा सा ना कड़ों को इस तरीके से पूरा ना पहन के, ऑब्वियसली बात है डेली में आप पूरा नहीं पहन सकते, तो जो इनके बीच बीच के कड़े हैं ना, मैं उनको सेम सेम कलर के डेली में पहन लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं इसको किस तरीके से यूज करूँ। अब ये देखो पूरा चिपक गया, तो ये खराब नहीं हुआ, मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले जो मेरे कड़े चिपके हुए थे, चार पांच चूड़ियाँ और कड़े जो चिपके हुए थे, उनको मैं अलग करूँगी। मैंने क्या किया है, मैंने सिम गैस पे, बहुत ही मंदी गैस रखनी है आपको, और कड़ों को कोई भी या तो कोई चिमटा या बेलन, मतलब जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना लटका के कड़ों को, आपको उस तरीके से करना है। गैस से थोड़ी सी ऊपर, आपको बिल्कुल लगा के नहीं रखने, क्योंकि लाख है वो पिघल जाएगा। और ये देखिए, थोड़ा सा आपको गरम करके ग्लास पे घुमाना है, मतलब हल्का से, जैसे मैं अब इस तरीके से घुमा रही हूँ कड़ों को, और कहीं पे भी हीट डायरेक्ट लगने नहीं देनी, उसको हल्का सा गरम करना है। कड़ों को ग्लास पे इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाना है, बड़े ही आराम से आपके एक एक कड़े चूड़ियाँ बहुत आराम से अलग हो जाएंगी। लेकिन आपको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, अदरवाइज़ वो टूट भी सकती हैं। तो आप बस हल्का हल्का ऐसे इस तरीके से गरम करो, बहुत निवाया निवाया सा गरम करो, और उसको ग्लास पे ऐसे घुमाओ, तो आपकी एक एक चूड़ी बड़े आराम से निकल जाएगी। आप ये देख सकते हो, मैं बार बार गरम कर रही हूँ और बार बार ग्लास पे घुमा रही हूँ, क्योंकि वो एकदम से नहीं निकलते, धीरे धीरे निकलती हैं। और ये देखो, मेरी चार पाँच चूड़ियाँ अलग हो गई, और ये जो हैं ये कड़े, इनकी शेप जो थी वो चेंज हो गई थी, शेप बिगड़ गई थी, तो मैं इस शेप को गोल कर रही हूँ। ये देखिए, अभी इन कड़ों की शेप ख़राब है, तो ये ग्लास में ऐसे जा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही करना है, हल्का सा कड़ों को निवाया सा गरम करना है गैस से थोड़ी सी ऊपर, और फिर उसके बाद ऐसे ग्लास में धीरे, बहुत ही हल्के हाथों से आपको अंदर बाहर ये ऐसे करना है ग्लास में, तो वो ऑटोमेटिकली वो राउंड शेप ले लेगा आपकी। और बहुत हल्के हाथों से करना, वरना ये कड़े टूट भी सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं ये दिखा रही हूँ, देखो वो अंदर घुस गया। तो हल्का हल्का सा जैसे आप गरम करके आप जो शेप दोगे, ये कड़े उसी शेप में हो जाएंगे, और बहुत आराम से आपके कड़े सही शेप आकार ले लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मैं ग्लास में दोनों तरफ से हल्का हल्का सा उसको दबा के एक राउंड शेप दे रही हूँ, और ये मेरी एकदम परफेक्ट शेप आई है। सो आज की मेरी वीडियो जो है वो सभी लड़कियों के लिए, सभी बहुओं के लिए जो मेरे जैसी हैं, जिनको नहीं पता और जो YouTube पे सर्च करती हैं कि यार इसका कैसे क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों के काम आए। आप लोग भी इस तरीके से अपने चूड़ियों को ठीक कर सकते हो, लाख की चूड़ियों को। और आजकल ज़रूरी नहीं है सिर्फ राजस्थानी बहुएं, आजकल बहुत ट्रेंड में है, सभी लोग पहनते हैं, सभी के पास होती हैं लाख की चूड़ियाँ। सो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, एंड दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।